नेक्स्ट आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री भाई साहब मारने लायक है एकदम, सबके लिए खराब है फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे खराब रहती है, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का वेटेज इक्वल है, कोई भी चैप्टर बड़ा या कोई भी चैप्टर छोटा नहीं कह सकते आप लोग। हर चैप्टर से दो क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाए तो उससे तीन क्वेश्चन आ जाएंगे, बट लगभग हर चैप्टर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सात चैप्टर होंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, एक चैप्टर से तीन क्वेश्चन आ जाएंगे, तो सारे चैप्टर इक्वल वेटेज रखते हैं, सबको अच्छे से करना है। एक या दो चैप्टर आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, छोड़ के जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप भी फिजिक वीक है तो आप केमिकल केमिस्ट्री के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ तीन चैप्टर करने थे आपको, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है तो आप अन्याय नहीं कर सकते। सारे चैप्टर का वेटेज इक्वल है, हर साल आप देखोगे। मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको जो चैप्टर करना अच्छे से करना, हर एक का वेटेज बराबर है, और कुछ कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, इजी होते हैं, उनसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे सॉलिड स्टेट कितना दो चार बड़ी मुश्किल से पांच फॉर्मूले होंगे और एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है, तो वहां से उनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, बाकी दो क्वेश्चन का वेटेज रहता है हर चैप्टर से फिजिकल में। बाद में आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पर एक तरीका होता है कि आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ो, और एक तरीका होता है आप नीट के हिसाब से पढ़ो। तो नीट के हिसाब से पढ़ोगे तो सबसे पहले आएगा आपके पास हमने नोमेनक्लेचर, एक चैप्टर रहेगा भाई, जब भी आप इसकी मॉड्यूल देखेंगे या फिर कोई अच्छी बुक देखेंगे तो एक अलग चैप्टर रहेगा नोमेनक्लेचर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। नाम लिखना कोई मतलब नहीं है, आप उसको छोड़ दो उस चैप्टर को, क्योंकि पिछले कई सालों से नाम आ ही नहीं रहा है, 2017 में क्वेश्चन आया था, और अगर नोमेनक्लेचर आएगा ना वो इतना इजी नाम होगा कि आप ऑप्शन देख के आसानी से निकाल लोगे नाम। नोमेनक्लेचर का कोई मीनिंग नहीं है, अगर आप 10 से 15 दिन खराब करते हो उसके पीछे तो बेकार है। मैं तो कहूँगा बस जब भी मूड हो एक दो का नाम पढ़ लो, बहुत है। मैं कभी नोमेनक्लेचर नहीं करता, ना इसका रिविजन करता हूँ, एक बार क्लासरूम में पढ़ाया था पढ़ लिया, आपने भी 11th 12th में पढ़ा था पढ़ लिया, बहुत है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है, उसके यूँ टाइम खराब करते हैं। हम लोगों को भी बहुत कम टाइम में नोमेनक्लेचर कराया था। फिर आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से करनी होती है, क्योंकि इससे दो से तीन क्वेश्चन पक्के होते हैं। अब 18 का छोड़ दो, 18 में उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट पिछले सालों के क्वेश्चन देखेंगे ना आप, तो आपको दो से तीन क्वेश्चन मिलेंगे किस पे, सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म भी अपने आप में, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इसका मॉड्यूल सारा कुछ डाल रखा अपने चैनल पे, सारे मॉड्यूल, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख लो आइसोमेरिज्म अच्छे से। एंड सेकंड आती है जीओसी, जीओसी फर्स्ट एंड जीओसी सेकंड, दोनों जीओसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीओसी से सात क्वेश्चन निकलेंगे दोनों जीओसी से, ध्यान रखना, सात क्वेश्चन निकलेंगे आपके सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और अगर आप जीओसी करते हो तो आपको कोई भी रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी सिवाय नेम रिएक्शन की। अब नेम रिएक्शन में क्या होता है, नेम रिएक्शन भी जीओसी में आती है, बट उसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि इसको ये रिएक्शन कहते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड में ये होता है, स्वार्ट में ये होता है, फिंकलस्टाइन में ये होता है, फिटिंग में ये होता है, वुड्स फिटिंग में ये होता है, कोलबेसिमेट में ये होता है, कैनिजारो में ये होता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है। मैंने बहुत से रिएक्शन के चार्ट बना के लिख रखे हैं। मैं डेली सुबह उठता हूँ, उठते ही पहला वक्त 5 बजे उठता हूँ, बिना आंखें धोए इनको पढ़ता हूँ, ब्रश भी बाद में करता हूँ, और नेम रिएक्शन को, क्योंकि आप देखो 2017 का पेपर देख लो, 2018 का देख लो, 16 का देख लो, 15 का देख लो, आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे नेम रिएक्शन पे। मैं बता भी दूंगा कभी, अभी मैंने जीओसी स्टार्ट की है मेरे चैनल पे, जीओसी की वीडियो चल रहे हैं। मैं जीओसी के कम से कम जो चैनल है उस पे 150 से 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने मतलब इस मॉड्यूल में दे रखे हैं। मेरे पास आकाश के भी मॉड्यूल है मेरे फ्रेंड्स के, और एलन तो मेरे खुद का है ही, तो मैं दोनों से मतलब जीओसी के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, और मेरे पास एमटीजी की बुक्स भी है, मैं सबसे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। और जीओसी को करने का, अगर जीओसी कर लिया आपने, आइसोमेरिज्म कर ली, तो आपके 15 में से 9 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। 9 क्वेश्चन के बाद में पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिकुल्स एंड एनवायरमेंट केमिस्ट्री, ये चार ये जो चैप्टर हैं इनको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और कहीं से भी नहीं जाना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो इन पे, और कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा,
या फिर एमटीसी से क्वेश्चन लगा लो, मैंने इसके एमटीसी के क्वेश्चन लगाए थे, काफी अच्छे थे ठीक है। और एलन वगैरह में इनको पढ़ा ही नहीं जाता क्लासरूम में, बस एक चार्ट पकड़ा देंगे आपको कि इन चीजों को रट लो, बहुत है एनसीईआरटी पढ़ लो। और बायोमोलिक्यूल्स तो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, वही होता है सेम, दोनों से क्वेश्चन निकलते हैं। तो बायोमोलिक्यूल अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन लास्ट ईयर 17 में भी दो क्वेश्चन आए थे, इस साल भी दो क्वेश्चन आए थे। दो क्वेश्चन आपको बायो में देता है, दो यहां देता है। तो बायोमोलिक्यूल एक जगह से पढ़ा आपने और चार क्वेश्चन मिल गए आपको। तो बायोमोलिक्यूल को ये जो चैप्टर है उनको एनसीईआरटी से पढ़ लो, मेटलर्जी को एनसीईआरटी से पढ़ लो, केमिस्ट्री में ये सारी चीजें होती है।